सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पर्सनालिटी 6.5 का स्टडी करेंगे। ट्रायंगल का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो ऑलरेडी हमने 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 का स्टडी कर चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पर्सनालिटी 6.5 का। तो पर्सनालिटी 6.5 में जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखिएगा, इसमें पहला जो क्वेश्चन है पर्सनालिटी 6.5 में, वो क्वेश्चन तो थोड़ा ब्रॉड में है, लेकिन आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिखकर मैं समझा रहा हूँ। इसमें पूछ रहा है कि कौन से त्रिभुज समकोण है और इसमें कर्ण भी ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर यदि हम पहला क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें तीन मान दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो यदि हम पहले का सॉल्यूशन करें यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं। आपको मालूम होगा कि एक हम ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, मानते हैं ये कोई त्रिभुज है, ये इसका नाम दें ए, इसका नाम बी और इसका नाम दें सी। तो आपको मालूम होगा ए क्या होती है, कड़ होती है, ए क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, एंड ए भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, एंड एक पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, जैसे ए कोई त्रिभुज है ए बी सी का, तो इसमें बताता है जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। तो कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसमें कर्ण का मान कितना होगा, यहाँ से रखेंगे तो 25 सेंटीमीटर, तो इसका मान हमने रख दिया 25 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा क्या होगी, ये होगी 7 सेंटीमीटर, एंड लंब का मान कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। तो अभी आपको ये प्रूव करना है, यहाँ पे हमको कर्ण का मान भी ज्ञात करना है और बताना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज कैसे आपको मालूम चलेगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, क्योंकि जब कर्ण का स्क्वायर आप इक्वल टू कर देंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों भुजा यदि आपस में इक्वल आ जाता है तो समकोण त्रिभुज होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं। तो देखिए कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 25 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का मान कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है, 24 का स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 एंड 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। अब देखिए ये तो 625 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ये 625 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, तो 9, 6, 15 को 5 हाथ में आया 1, फिर 7, 4, 11, 1, 12 को 2 हाथ में आया 1, 5, 1, 6। तो देखिए यहाँ पे 625 इक्वल टू 625, तो यहाँ पे कहेंगे एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड। जब दोनों आपस में इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि हाँ कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, ये जो भुजा दिया गया एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है और इसमें कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण का मान कितना होगा, 25 का सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। देन चलिए इसको रफ करते हैं एंड सेकेंड वाले का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकेंड वाले को चेक करते हैं। अब सेकेंड वाला इसको पुटअप करते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन, और इसमें इसके लिए भी एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी का। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा का मान कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, तो एक कर्ण का मान लिख देंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा क्या है इसमें, 3 सेंटीमीटर, तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर एंड लंब का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अब इसको आपको प्रूव करना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, ठीक है, और कर्ण का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कड़ी होती है, तो यहाँ पे एक कर्ण क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है, 6 का स्क्वायर। आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, इसमें 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो हो जाएगा 64 एंड 3, 3 जा 9, 6, 6 के 36। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 इक्वल टू, अब 9, 6, 15 को 5 और 9 और 6 कितना होगा, 9, 6, 15 को 5 हाथ में 1, 3, 1, 4, तो यहाँ आप देख रहे हैं 64 = 45 आ रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे एल एच एस नॉट इक्वल टू है
आर एच एस के। इसलिए क्या होगा कि ये जो मान दिया गया है सेकंड वाला, एक कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए थर्ड वाले का सॉल्यूशन करते हैं, और अभी हम पुट करने वाले थर्ड वाला, मतलब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लेकर हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी थर्ड वाला हम लेकर चलते हैं, और इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ी मान क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर्ण का मान लिखेंगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, एंड सबसे छोटा मान क्या दिया है 50 सेंटीमीटर, तो आधार का मान हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, एंड लंब का मान कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आपको प्रूव करना है, इसको चेक करना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, मतलब कर्ण का स्क्वायर यदि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है 100, तो हो जाएगा 100 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू, आधार का मान कितना दिया है 50 ऑफ होल स्क्वायर, एंड लंब का मान कितना दिया है 80 ऑफ होल स्क्वायर। देन अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू 5 × 25 एंड 00 इसमें बढ़ा देंगे, प्लस 8 × 64 और 00 बढ़ा देंगे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या इसके बराबर आता है, 10000 के बराबर आता है। तो ये हो जाएगा आपका 10000 इक्वल टू, अब इसको ऐड करते हैं तो 00 तो वैसे ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, 5 × 4 = 9 एंड 6 × 2 = 8। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो एल एच एस है नॉट इक्वल टू एक्स के आर एच एस के, इसलिए कहेंगे कि ये जो मान दिया गया है थर्ड वाले में कि 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, एक कोई समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो प्रॉपर्टी होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। देन इसी प्रकार से अभी हम लोग पुटअप करते हैं किसको, ये फोर्थ वाले को, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अभी इसको रफ करते हैं, ये मान यहाँ से, ठीक है। तो देख रहे हैं सबसे बड़ी मान इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ी मान यहाँ पर दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण को यहाँ पे लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। देन सबसे छोटा मान क्या दिया 5 सेंटीमीटर, तो आधार को हम लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, है ना, एंड लंब को कितना लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। एंड इसको प्रूव करना है कि क्या ये जो मान दिया गया है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, आपको मालूम होगा इसमें कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू यदि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के इक्वल आ गया तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, वरना नहीं होंगे। तो चलिए अब इसी मान को यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, और इसमें अप्लाई करते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है 13 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 12 का स्क्वायर, एंड 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देन अब इसको ऐड करते हैं 169 इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे 5 × 4 ए हो जाएगा 9 और 4 × 2 कितना हो जाएगा 6 एंड ए 1 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो देन यहाँ पे कहेंगे कि हाँ एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉलो करता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, और इसमें जो कर्ण का मान होगा कितना होगा 13 का सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनका स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग दैट कि यहां पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड देन इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा PR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पे, ये जो PM है वो QR पे लंब है, इसलिए ए एंगल 90 डिग्री होगा और ए भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हमें दर्शाना है कि PM का स्क्वायर, ये जो PM का स्क्वायर होगा और QM इंटू MR के बराबर होगा। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ हमारे चैनल PCM नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, ये कोई ट्रायंगल है,
पी है, क्यू है, आर है, जो ए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक का भी रहा है कि जिसका पी जो है वो समकोण है, मतलब ए जो एंगल है कितना होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे जो पीएम लंब है क्यू आर पे, तो ए बी कितना होगा 90 90 डिग्री होगा, और हमको प्रूव करना है कि पीएम का स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, एक लैंग्वेज लिखेंगे कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है और पी एम लंब है क्यू आर पे, इसलिए प्रमेय 6.7 इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये जो ट्रिएंगल होगा पी एम क्यू, प्रमेय 6.7 से लिखेंगे ट्रिएंगल ट्रिएंगल पी एम क्यू समरूप होगा ट्रिएंगल बड़े वाले के ट्रिएंगल पी क्यू आर के, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड इसी प्रकार लिखेंगे एंड इसी प्रकार अब ए वाला ट्रायंगल लेकर चलते हैं पी एम आर वाला, तो लिखेंगे ट्रायंगल पी एम आर समरूप होगा ट्रायंगल बड़े वाले के पी क्यू आर के, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मतलब पहले में ए वाला समरूप किए हैं बड़े वाले के लिए, और दूसरे में ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसको हम समरूप कर रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, और इसका रीजन क्या देंगे प्रमेय 6.7 से। तो यहाँ पर लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड में यदि कंपैरिजन करते हैं तो देख रहे हैं फर्स्ट का आरएचएस क्या है पी क्यू आर है, एंड सेकेंड का भी आरएचएस क्या है पी क्यू आर है, तो जब इसके आरएचएस आपस में इक्वल हैं तो इसके एलएचएस भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा ट्रियंगल ए पी एम क्यू, ट्रियंगल पी एम क्यू समरूप होगा ट्रियंगल ए एम पी एम आर के, तो यहाँ पर लिखे ट्रियंगल पी एम आर के, जब ए समरूप हो गए तो आपको मालूम होगा कि समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं क्या होती है समानुपातिक होती हैं, कहने का मतलब ए है कि यहाँ पे अब ए चीज़ मिलेगा ए पी एम, अब यहाँ पे मिलेगा इतना सब लिखने के बाद अब लिखेंगे अतः अतः पी एम अपान क्यू एम इक्वल टू ए हो जाएगा एम आर अपान ए हो जाएगा पी एम के पी एम के, अब यहाँ से क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे पी एम का पी एम में करेंगे क्या हो जाएगा पी एम का स्क्वायर इक्वल टू अब ये हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर को ये सब आपस में इक्वल करना था, इसको प्रूव करना था, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सोल्यूशन समझ में आया होगा, देन चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग दैट कि आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब बी डी पे, तो दर्शाइए कि, अब देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको इसमें दर्शाना है कि सबसे पहले समझ लीजिए इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ए बी डी कोई एक ट्रायंगल है और इसमें जो भुजा ए सी है वो लंब है किस पे बी डी पे, तो हमको प्रूव करना इसमें पहला ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, एंड सेकंड में प्रूव करना ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, एंड थर्ड में प्रूव करना कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। तो चलिए फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं, तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंबा बी डी पे, इतना चीज़ तो आपको मालूम होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन का आप डायग्राम बना लीजिए, देन आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, अब लिखेंगे इसमें सिद्ध करना है पहला कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण, और इसमें लिखेंगे प्रमाण में कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है और ए सी लंब है बी डी, एक तो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी लंब है बी डी पे, तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी ए समरूप होगा ट्रायंगल ए बी डी के, मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी ये बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप होगा ए बी डी के, और इसको कैसे प्रूव करेंगे प्रमेय 6.7 से, ठीक है, थ्योरम 6.7 अप्लाई करेंगे। अतः यहाँ पे हमको मालूम होगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपान बी डी इक्वल टू बी सी अपान ए बी, यहाँ से क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कीजिए ए बी का ए बी में करेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको प्रूव करना है कि ए सी सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे कि इसमें प्रूव करना है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा
बी सी इंटू डी सी, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे सेकंड का। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रिंगल ए बी सी समरूप है ट्रिंगल ए डी सी के परमे 6.7 से, अतः यहाँ पर भी आधारभूति समानुपातिक परमे लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी अपान डी सी इक्वल टू बी सी अपान ए सी, देन ए सी का ए सी में करेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी सी इंटू बी सी। तो इस तरीके से सेकेंड को भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले को कैसे प्रूव करेंगे, तो थर्ड वाले को भी प्रूव कर सकते हैं। और इसको प्रूव करने का सबसे सिंपल उपाय क्या है कि आप लिखेंगे ट्रायंगल एसीडी समरूप है ट्रायंगल एबीडी के परमे 6.7 से, अतः एडी अपान सीडी इक्वल टू बीडी अपान एडी होगा। और यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए एडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे एडी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बीडी इंटू सीडी। इस तरीके से थर्ड वाले को भी आप प्रूव कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर इज सेइंग दैट कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू ए सी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिए और इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी का कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें कह रहा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या बताता है कि इसकी ये दोनों जो भुजा है आपस में इक्वल होगी। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू ए सी का स्क्वायर। ए जो ए बी का मान दिया है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू ए सी का स्क्वायर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तभी सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू ए सी का स्क्वायर होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण। तो इसमें लिखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी के, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर वन। और ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इंटू ए सी का स्क्वायर, क्योंकि अभी आप यहाँ से देखें समद्विबाहु है तो मतलब ए सी इक्वल टू बी सी तो होगा, जनरल सीधी सी बात है भाई। जब समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब दोनों भुजा आपस में उसकी इक्वल है, तो हम ए सी की जगह पर बी सी लिखे या बी सी की जगह पर ए सी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अथवा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर वन से रीजन देंगे। और यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू ए सी का स्क्वायर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फोर का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। दिन चलिए फिफ्थ का सॉल्यूशन करते हैं। एंड फिफ्थ इज सेइंग दैट कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी है, यदि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ कि टू इंटू ए सी का स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए अब इसको समकोण त्रिभुज भी प्रूव करना है, और ऑलरेडी दिया हुआ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसको ये भी प्रूव करना है कि समकोण त्रिभुज है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी है, क्योंकि जब समद्विबाहु है आप डायग्राम से भी देखेंगे समद्विबाहु है तो इसकी दोनों भुजा आपस में इक्वल तो होगी ही होगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आएगा सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी ये तो दिया हुआ है, और इसको कहाँ से मिला है इक्वेशन नंबर वन से। देन यहाँ पर लिखेंगे और ए बी का स्क्वायर इक्वल टू है टू इंटू ए सी का स्क्वायर, ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अथवा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि अभी जस्ट इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया जस्ट इसी के बेस पे आधारित था। क्योंकि जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दोनों भुजा आपस में इक्वल तो हो ही सकती है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी की जगह पे ए सी भी लिख सकते हैं और ए सी की जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी का स्क्वायर टू इंटू ए सी का स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर, और एक ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे आया कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ये चीज़ कहाँ से आया इक्वेशन नंबर वन से, क्योंकि ए सी इक्वल टू किसके है बराबर है बी सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से प्रमेय 6.9 से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि ए जो ट्रायंगल है एक समकोण त्रिभुज है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज सेइंग दैट कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, और उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, और देख रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब समझ रहे हैं ना आप, समबाहु मतलब क्या होती है जिसकी सब भुजाएं आपस में इक्वल हो, जैसे
और देखिए ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ कोई ट्रायंगल, तब देखिए ये जो ए बी है, ए सी है और बी सी है, सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इसी को कहते हैं समभाव। तो देख रहे हैं ए बी का मान दिया हुआ 2a, ए सी का मान 2a एंड बी सी का मान 2a, देन यदि इस पे ए डी लंब है बी सी पे, तो ए हो जाएगा ए इंटू ए, तभी तो होगा ना 2a। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। तो यहाँ दिया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 2a के बराबर है, क्योंकि समभाव त्रिभुज है, मतलब तो सब भुजा आपस में क्या है, इक्वल है। देन यहाँ पर लिखेंगे रचना, ए डी लंब बी सी डाला, ठीक है। रचना करने के बाद लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं, किसमें चलते हैं, ए सी डी में, और इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब डायग्राम से भी देखेंगे तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि डी सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। देन यहाँ पे मान रखते हैं 2a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए, टू टू जा फोर, फोर ए का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन यहाँ से ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फोर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री ए का स्क्वायर। देन यहाँ से ए डी अभी फाइंड करते हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी संख्या का क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, तो हो जाएगा अंडर रूट थ्री ए आप होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर जब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो हट ही जाएगा, तो हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट थ्री। अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितना होगा, ए इंटू रूट का थ्री होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ये कोई समांतर चतुर्भुज कोई समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज है, मतलब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कोई समचतुर्भुज है। और इसमें कह रहा है कि हमें प्रूव कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं की वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम बना लेते हैं कि ए बी सी डी कोई समचतुर्भुज है और इसका विकर्ण है बी डी है और ए सी है, दोनों को मिला देते हैं, जो दूसरों को बिंदु ओ पर कट कर रहे हैं, किस पे कट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देन अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी बी सी तथा सी डी और ए डी है और इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर होगा। यही तो क्वेश्चन में भी कह रहा ना कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, उनकी विकर्णों के योग के बराबर होगा। तो चार भुजा है ए बी बी सी सी डी और ए डी, इनका स्क्वायर प्लस योग इक्वल टू हो जाएगा इनके विकर्ण ए सी और बी डी का स्क्वायर प्लस इनका योग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ए ए ओ बी में चलते हैं और इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। एंड वी नो डैट पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देन इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल सी ओ डी और ट्रायंगल ए ओ डी में चलेंगे और इसमें भी लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। एंड वी नो डैट पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देन इसमें मान रखेंगे बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। एंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड यहाँ पर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास में इक्वेशन मिलेगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। एंड देन आप लिखेंगे आर एच एस, क्या लिखेंगे, आर एच एस, आर एच एस इसका आएगा। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू ए का स्क्वायर, 2 इंटू बी ओ का स्क्वायर, 2 इंटू सी ओ का स्क्वायर, 2 इंटू डी ओ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड है, मतलब एक एक जो भुजा है वो रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक है, तो ये छोटा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 समय से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे मिलेगा, अब देखिए अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ की जगह पे हम लिख सकते हैं हाफ ए सी हाफ बी डी हाफ ए सी हाफ बी डी, ठीक है। देन यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 तो सब में कॉमन ही है। अब ए ओ और बी ओ की जगह पे लिख सकते हैं हाफ ए सी हाफ बी डी, तो हो जाएगा हाफ ए सी हाफ होल स्क्वायर, हाफ बी डी हाफ होल स्क्वायर, हाफ ए सी हाफ होल स्क्वायर, हाफ बी डी हाफ होल स्क्वायर।
तो देखा टू इंटू अभी वन बाई टू मतलब 1/4 हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी का स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 सब में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर देन यहाँ पर आएगा हाफ क्योंकि 2 × 2 जाए कितना होता है 4 तो हो जाएगा हाफ इंटू 2 × ए सी का स्क्वायर 2 × BD का स्क्वायर तो ए आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 1/2। अब देखिए 2 इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इंटू बी डी का ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मिलेगा ए सी का स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर। आपको मालूम भी होगा कि समचतुर्भुज था ए बी सी डी तो उसके बीकर थे ए सी और बी डी और आपने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया आर एच एस लेकर हम चले थे और हमने एल एच एस के बराबर प्रूफ कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर। इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट कि आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है तथा ओडी लंब है बीसी पे। तो हमें प्रूव करना है कि ओई लंब है एसी पे और ओएफ लंब है एबी पे और इसको कैसे प्रूव करेंगे और हमको इसमें दर्शाना भी है। ठीक है, इतना कंडीशन देने के बाद हमको प्रूव करना है फर्स्ट में ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। एंड सेकंड में प्रूव करना हमको ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे वीडियो अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। फर्स्ट टाइम है प्लीज हमारे चैनल पीसीएम नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। एस माय नेम इज अनुप कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं पीसीएम नॉलेज चैनल। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं एंड इस क्वेश्चन का आउटकम डायग्राम ए है यहाँ पे कि यहाँ देखें कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी करके। अब यहाँ देखिए बहुत सारा कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओ केंद्र है यहाँ पे और यहाँ पे ए लंब है ओ एफ लंब है ए बी पे एंड यहाँ देखेंगे ओ डी लंब है बी सी पे एंड यहाँ पे ओ ई लंब है किस पे ए सी पे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है कि ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है तथा ओ डी लंब बी सी पे ओ ई लंब ए सी पे और ओ एफ लंब ए बी पे। और हमको इसमें सिद्ध करना है कि फर्स्ट में हमको सिद्ध करना है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होगा। तो चलिए फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण और लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ एफ में, किस में चलते हैं ए ओ एफ में और इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय एंड वी नो डैट पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ए होता है पाइथागोरस प्रमेय। देन यहाँ पे हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। और समकोण त्रिभुज बी ओ डी में चलते हैं और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। देन इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। एंड यहाँ पे देखेंगे समकोण त्रिभुज सी ओ ई में भी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड देन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जोड़ने पे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में ए चीज ब्रॉड वैल्यू मिलेगी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू एल एच एस का एल एच एस में ऐड करेंगे और आर एच एस का आर एच एस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे मिलेगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई आप होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए इसमें सेकेंड ऑप्शन का भी सॉल्यूशन करते हैं एंड सेकेंड में हमको ए चीज प्रूव करना है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे तो इसको भी प्रूव करेंगे। देन उसी के बाद जस्ट जो पहले वाले का सॉल्यूशन किए हैं वहीं से सेकेंड वाले का भी सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अब अपना ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर या ए एफ 2 प्लस बी डी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसमें लिखेंगे अथवा ए एफ स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर और तीसरे ब्रैकेट में ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। देन यहाँ पे मिलेगा
ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब ओ ए माइनस ओ ई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए ई का स्क्वायर, एंड यहाँ पे ओ बी माइनस ओ एफ करेंगे तो सी डी मिलेगा, एंड ओ सी माइनस ओ डी करेंगे तो क्या मिलेगा, बी एफ मिलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस तरीके से सेकेंड वाले ऑप्शन का भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट कि इसमें हमें प्रूव करना है कि किसी त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी सम कोण है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। तो हमको प्रूव करना है कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर होगा। और इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको भी बहुत आसानी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एंड इसमें लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और दिया है इस क्वेश्चन का आउटकम डायग्राम ए है, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे बिंदु डी है और ई है। और देखिए यहाँ पे ए से ई को मिला गया है, बी से डी को मिला गया, फिर डी से ई को मिला गया। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना है। तो इसमें लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सी और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। तो हमें प्रूव करना कि ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे डी से ई को मिलाया, ये डी से ई को हमने मिला दिया। देन यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण, मतलब इसका उपपत्ति कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देन यहाँ पे आएगा समकोण त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। एंड वी नो डैट पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ए ई ए सी ई में जब चलेंगे ए है सी है और ई है, तो इसमें कर क्या होगा ए ई होगा। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी ई का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बी सी डी में चलते हैं, ए बी है सी है और डी है, इसमें चलेंगे तो इसमें भी कर का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देन हो जाएगा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो देन आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में आएगा वैल्यू ए का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को एक पास में कर लेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर एक पास में, एंड सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर एक पास में कर लेंगे। देन यहाँ पे मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और डी इसका डी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर का है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ए का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 सेइंग है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी डी इक्वल टू 3 इंटू सी डी है। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि 2 इंटू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल पी सी एम नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। एस माय नेम इज अनु कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं पी सी एम नॉलेज चैनल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में हमको प्रूव करना है कि 2 इंटू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम बनाते हैं। एंड इस क्वेश्चन का आउटकम डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी का, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी का, और देखिए इसमें हम लिखेंगे कि ए डी लंब है किस पे है, भुजा सी बी पे, इसलिए ए एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे मैथमेटिक्स की भाषा में तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब है बी सी पे तथा बी डी इक्वल टू कितना है 3 इंटू सी डी के। तो हमको प्रूव करना है कि 2 इंटू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। देन यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे सी डी इक्वल टू बी सी माइनस बी डी, एंड यहाँ पे मिलेगा सी डी इक्वल टू बी सी माइनस का 3 सी डी, एंड यहाँ पे 4 सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी, देन सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और बी सी अपान 4, और इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि बी डी इक्वल टू 3 इंटू सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बी सी अपान 4, क्या हो जाएगा 3 बी सी अपान 4, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ए वैल्यू यहाँ पे इतना चीज है कि बी डी इक्वल टू 3 बी सी अपान 4, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाएंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब देखिए ए है भुजा ए सी है और डी है, अब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, देने हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर,
क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। देन यहाँ पे मिलेगा एडी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, एंड वी नो डैट पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। देन यहाँ पे मिलेगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, क्योंकि AD को हम लिख सकते हैं AC माइनस का CD। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना सीधी सी बात है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। देन यहाँ पे मिलेगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस, अब CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं BC अपान 4, क्योंकि अभी ऊपर वैल्यू फाइंड किया गया है। एट BD की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3BC अपान 4 आर होल स्क्वायर। देन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, एंड 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, एंड बी सी का स्क्वायर क्या होगा बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस 8 बी सी स्क्वायर अपान 16। देन यहाँ पर मिलेगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एंड इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है। तो हमें सिद्ध कीजिए कि 9 इंटू AD का स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू AB का स्क्वायर होगा। एंड ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर अपने नोटबुक में नोट करने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन को 2-3 बार लगाने की भी कोशिश करेंगे ताकि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं और देखना है कि यहाँ पे कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी, तो सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया ए बी सी। अब इसकी भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है एंड इसी प्रकार स्थित है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी है। एंड हमको प्रूव करना है कि 9 इंटू ए डी का स्क्वायर इक्वल 7 का ए बी स्क्वायर होगा। सबसे पहले यहाँ पे रचना करेंगे, क्या करेंगे रचना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन लंब बी सी खींचा। अब देखिए ए एन लंब बी सी हमने खींचा, देन यहाँ पे अब जो दिया है उसको भी लिख लेंगे कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें BD इक्वल टू 1/3 BC है एंड हमें प्रूव करना कि 9 इनटू AD का स्क्वायर इक्वल टू 7 इनटू AB का स्क्वायर होगा। तो रचना हमने कर दिया कि AN लंब खींच दिया किस पे BC पे, देन यहां पे लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे प्रमाण, एंड प्रमाण में लिखेंगे कि BD इक्वल टू 1/3 BC दिया हुआ है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड BN इक्वल टू हाफ BC है क्योंकि AN लंब है BC पे रचना से, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड DN इक्वल टू BN माइनस का BD हो जाएगा, देन यहाँ से हो जाएगा हाफ BC माइनस का 1/3 BC इक्वल टू, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। एंड ऊपर आ जाएगा 3 BC माइनस का 2 BC इक्वल टू हो जाएगा BC अपान का 6। एंड यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADN में, अब देखिए ये ए है और ये डी है और एन है। अब इसमें क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर, और ए एन का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। देन समकोण त्रिभुज ए बी एन में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं, ए है बी है और एन है, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। देन यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एन की जगह पे लिख सकते हैं ए डी माइनस डी एन, क्या लिख सकते हैं ए डी माइनस डी एन, एंड हो जाएगा बी एन का स्क्वायर, और इसका रीजन देंगे समीकरण नंबर 1 से। देन देखिए यहाँ पे ए चीज अब आएगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसके जगह पे लिख सकते हैं ए डी माइनस डी एन के जगह पे हम ए चीज लिख सकते हैं कि बी सी बाई 6 आप होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा प्लस बी सी बाई 2 आप होल स्क्वायर। देन यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी बाई 36 हो जाएगा, एंड बी सी का स्क्वायर बाई 2 जा 4 हो जाएगा। देन क्रॉस एलसीएम लेकर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, इसको टच ही नहीं करना है, एंड इसका जो एलसीएम होगा हो जाएगा 36 एंड ऊपर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस 9 बी सी का स्क्वायर। देन यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस 8 इंटू बी सी का स्क्वायर अपन 36, एंड ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी का स्क्वायर अपन 9। देन यहाँ पे क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 9 ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी का स्क्वायर। देन हो जाएगा 9 ए बी का स्क्वायर माइनस 9 ए डी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी का स्क्वायर, एंड 9 इंटू ए बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 ए डी का स्क्वायर। यहाँ पे पक्षांतरण
कन्वर्ट किया गया है, देन यहाँ पे आ जाएगा 7 into AB² = 9 into AD² तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आउट भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और 2-3 बार लगाकर हैबिट भी अपना बना लेंगे ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन का स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल पीसीएम नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। एस माय नेम इज अनुप विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं पीसीएम नॉलेज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें दिया हुआ एडी लंब है बी सी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब है बी सी पे और हमें प्रूव करना कि 3 into AB² = 4 into AD² होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण और इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं कि AB² = AD² + BD² एंड AB² = AD² अब BD की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, BD की जगह पे लिख सकते हैं BC/2 क्योंकि BC का जो BD है वो BC का हाफ है, तो वो जगह BD की जगह पे लिख सकते हैं हाफ BC हाफ फुल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा AB² = AD² BC² / 4 देन क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे 4AB² = 4AD² + BC² एंड यहाँ पर हो जाएगा 4AB² = 4AD² + AB² एंड 4AB² - AB² = 4AD² और यहाँ पे लिखा मिलेगा 3 into AB² - 4 into AD². तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में टोटल एंड क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। और बात करते हैं एक्सरसाइज 6.5 में टोटल 16 क्वेश्चन दिए थे जिसमें 1 से लगाई क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 6.6 के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।